और एक मतबा अपने हाथों को बुलंद करके कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ, फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ, सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का सलवा कहाँ कहाँ, सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का सलवा कहाँ कहाँ। पता नहीं लल्लन चचा इतनी देर से कहाँ थे, अभी आए और माशाल्लाह इन्होंने बिस्मिल्लाह कर दिया। अल्लाह सलामत रखे इनको। मैं बहुत देर से तलाश कर रहा था कि मेरे लल्लन चचा कहाँ है। इनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक मतबा कह दीजिए आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब एक शेर और एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे ही रबीउल नूर शरीफ का चांद फलक पे नमूदार होता है और रबीउल नूर शरीफ की रहमतें और बरकतें बिखेरना शुरू करता है तो कुछ लोगों के पेट में बल पलना शुरू हो जाता है, और सोशल मीडिया पे फेसबुक व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट पर एक सवाल गर्दिश करता है बहुत ही तेजी के साथ कि ईदें तो दो थी, ईद उल फित्र ईद उल अजहा, ये तीसरी क्यों, तीसरी कहां से। सवाल पर शायर की निगाह पड़ी, उसने शेर सवाल भी शेर में कहे और जवाब भी शायरी की सूरत में ही दिया। मंजर चिश्ती साहब ने, उन्होंने कहा पहले सवाल लिखा। सवाल उनकी तरफ से यह होता है कि क्या ये जाती मकां से लाए हो। अब जैसे चाहे वैसे आप सुने, मैं अपने तरीके से मिसरे आप तक पहुंचाऊंगा। सवाल सुने कि क्या ये जाती मकां से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो, क्या ये जाती मकां से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने दो उम्र, तीसरी तुम कहां से लाए हो। ये सवाल था। अब जवाब सुने माशाल्लाह आप सामने आ जाया कीजिए। सवाल था कि क्या ये जाती मक्का से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने दो ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। तो जवाब मिलता है कि ला मक्का के मक्की से लाए हैं, ला मक्का के मक्की से लाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं, ला मक्का के मक्की से लाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं, जिनके सदके मिली है दो ईदें, तीसरी भी वही से लाए हैं। सदके मिली है दो ईदें, जिनके सदके मिली है दो ईदें, तीसरी भी वही से लाए हैं, जिनके सदके मिली है दो ईदें, जिनके सदके मिली है दो ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। तो यहीं ठहर कर ये भी कह दूं कि नूर की जलवा दरी है ईद मीलादुन नबी, जिंदगी ही जिंदगी है ईद मीलादुन नबी, ईद उल अजहा भी बड़ी है और ईद उल फित्र भी, लेकिन दोनों से बड़ी है ईद मीलादुन नबी, लेकिन दोनों से बड़ी है ईद मीलादुन नबी, ईद उल अजहा भी बड़ी है और ईद उल फित्र भी, लेकिन दोनों से बड़ी है ईद मीलादुन नबी, लेकिन दोनों से बड़ी है ईद मीलादुन नबी। माशाल्लाह ये ठाटे मारता हुआ मजमा और आपकी बेदार समाज अल्लाह सलामत रखे। एक शेर आपके समातों के जंगलों के करीब बनारस का ये पतला दुबला नाज़िम रियाज नुमानी करता है। अब देखना ये कि इन मिसरों की हिफाजत आप किस सूरत में करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक मिसरा निकला था और इस शेर की फरमाइश भी हुई है, इसलिए मैं मिसरे फरमाइशों को एहतराम करते हुए पूरा करते हुए अपनी निजामत को आगे बढ़ाता हूँ। मिसरा निकला था कि जुगनू मियां के पास खजाना तो है नहीं, मिसरा था। शायर ने कहा कि जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं। जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं।
अबू जहल नबी को जानता था लेकिन मानता तो नहीं था। अबू लहब नबी को जानता तो था लेकिन मानता नहीं था। उतबा नबी को जानता तो था लेकिन मानता नहीं था। शैबा नबी को जानता तो था लेकिन मानता नहीं था। तो शायद ने कहा कि जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं। दाना है वो नबी का दीवाना तो है नहीं। नाते रसूले पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं। नाते रसूले पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं। अब जिन लोगों ने मदीने शरीफ की ज़ियारत की है, गुंबद खजरा की अपने माथे की निगाहों से ज़ियारत की है, उनके लिए मिस्रे के जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं। दाना है वो नबी का दीवाना तो है नहीं। नाते रसूल पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं। और इस बार घर से ये निकलना है सोच कर, वापस नबी के शहर से आना तो है नहीं। घर से ये निकलना है सोचकर, वापस नबी के शहर से आना तो है नहीं। और अब भी हुसैनियत कहे बाकी वही मिजाज, कट जाए सर फला से झुकाना तो है नहीं। भी हुसैनियत का है बाकी वही मिजाज, कट जाए सरबला से झुकाना तो है नहीं। और मैं हूँ रजा का तीर, चलूंगा हर एक तरफ, मेरा किसी पे खास निशाना तो है नहीं। मैं हूँ रजा का तीर, चलूंगा हर एक तरफ, मेरा किसी पे खास निशाना तो है नहीं। आइए अब आपकी मुलाकात शहर बनारस के उस उभरते हुए लहजे से कराई जाए, जो एक अच्छी आवाज के मालिक के साथ साथ एक अच्छे कलम का भी मालिक है। सना खान हबीब दिबिया मद्दाह रसूल मद्दाह अहले बैत मुस्तफा, बड़े भाई मोहतरम हसीन आरफी बनारसी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम तमाम सामेईन को नवाजें। मुसलसल प्रोग्राम की वजह से कुछ शोरा की आवाजें थोड़ी गिरफ्त है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन शोरा की आवाजें थोड़ी गिरफ्त में हैं, उनके अशआर आपको समाप्त करने हैं, क्योंकि जिन शोरा की आवाज लगी हुई है वो बड़े बड़े अच्छे किस्म के शायर भी हैं। तो आप आवाज में बिल्कुल न जाइएगा, आप शेर सुनने वाले लोग हैं, सुखन फहमी लोग हैं। मैं इन तमाम पर शोराए किराम के हवाले एक शेर आपकी समातों के करीब करता हूँ, इन तमाम पर बड़े भाइयों की दुआओं का सहारा लेकर के। शायर कहता है कि कोई तबीब है ना मसीहाए इश्क है, कोई तबीब है ना मसीहाए इश्क है, खुद रोग इश्क ही का मदवाए इश्क है। कोई तबीब है ना मसीहाए इश्क है, खुद रोग इश्क ही का मदवाए इश्क है। मैंने कहा ये कैसे बनाई है कायनात, उसने कहा ये सारा तमाशाए इश्क है। मैंने कहा ये कैसे बनाई है कायनात, मैंने कहा ये कैसे बनाई है कायनात, उसने कहा ये सारा तमाशाए इश्क है, उसने कहा ये सारा तमाशाए इश्क है। और क्या पूछते हो करबला वालों के इश्क का, क्या पूछते हो करबला वालों के इश्क का। करबला वालों के ताल्लुक से बहुत सारे शेर सुने गए हैं और सुने जाते हैं, और करबला वालों के ताल्लुक से जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब को जो खुसूसियत हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें इंफरादियत उनको हासिल है। मैं मिसरे आप तक पहुंचाता हूं कि कोई तबीब है ना मसीहाए इश्क है, खुद रोग इश्क ही का मदावाए इश्क है। मैंने कहा ये कैसे बनाई है कायनात, उसने कहा ये सारा तमाशाए इश्क है। और क्या पूछते हो करबला वालों के इश्क का, उनका तो शीरखार भी मौलाए इश्क है। क्या पूछते हो करबला वालों के इश्क का, क्या पूछते हो करबला वालों के इश्क का, क्या पूछते हो करबला वालों के इश्क का, उनका तो शीरखार भी मौलाए इश्क है, उनका तो इश्क है। क्या पूछते हो करबला वालों के इश्क का, उनका तो शेर खार भी मौलाए इश्क है। इस शेर में हकीकत बताऊं तो मजमे से एक नारा लगना चाहिए था, इतना बड़ा शेर मैंने पढ़ा था, लेकिन खैर एक शेर और पढ़ता हूं, उम्मीद है कि इस पे नारा जरूर लगेगा। शाद भाई बतौर खास मिसरे देखिएगा कि समा मिलकर बिल्कुल चुपके से मिसरे मिलूंगा, और देख मिसरे की नवैयत देखिएगा के समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। मिसरे की नवैयत देखिएगा
कि समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। बदन पे बेकफन लाशों ने काबा बांध रखा है। समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। बदन पे बेकफन लाशों ने काबा बांध रखा है। कमाने हुरमला को, कमाने हुरमला को क्या खबर के तीर का कब से अली असगर ने गर्दन से निशाना बांध रखा है। कमाने हुरमला को क्या खबर के तीर का कब से माशाअल्लाह। दोबारा पढ़ने का हुक्म हो रहा है तो दोबारा किसी तरीके से जवाब देंगे। एक मर्तबा कह दें दोनों हाथों का कलम करके, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। बदन पे बेदफन लाशों ने काबा बांध रखा है। कमाने हुरमला को क्या खबर के तीर का कब से अली असगर ने गर्दन से निशाना बांध रखा है। कमाने हुरमला को क्या खबर के तीर का कब से अली असगर ने गर्दन से निशाना बांध रखा है। अली असगर ने गर्दन से निशाना बांध रखा है। आइए अब मैं ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए, चूंकि मैं आपका मेजबान हूँ और फेरिस्त में अब तमाम तर मेरे मेहमान बाकी हैं जिनको हमें और आपको समाप्त करना है। मैं जो माहौल बनाना चाह रहा था उस रंग में आप आ चुके हैं। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आइए अब अपनी जमात के सबसे खूबसूरत और हैंडसम शायर से मैं आपकी मुलाकात कराऊं। एक मर्तबा कह दीजिए दोनों हाथों को बल करके सुभान अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। मैं समझता हूँ कि आप पहुँच गए होंगे कि मैं किस शायर की बात कर रहा हूँ। शायर बड़े भाई मोहतरम शाद जफर फतेहपुरी से मैं गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाए और अपने अशआर से हम तमाम साबेईन को नवाजे। चुके जहां आप बैठे हैं वो जगह आपकी नहीं बल्कि आपके मोहब्बतों की कुर्सी हमारे दिल में लगी हुई है।